कल एक बेहद ही दिलचस्प वाक्य सामने आया। मामला संभल जिले का है, जहां भाजपा द्वारा चलाए जा रहे संकल्प सिद्धि प्रोग्राम में अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की योजनाओं का उनके फोटो वाला पोस्टर बांट दिया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बांटे गए पोस्टर को देखकर अधिकारियों में हड़कंप मच गया, लेकिन मीडिया कर्मियों के पहुंचने के बाद अधिकारी मंच छोड़कर भागते नजर आए। दरअसल संभल जनपद के मुख्यालय बहजोई में संकल्प सिद्ध प्रोग्राम के माध्यम से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, लेकिन अखिलेश यादव के चहेते अधिकारी ये भूल गए कि अब योगी की सरकार है। किसानों को अखिलेश यादव द्वारा कृषि विभाग में चलाई गई योजनाएं छपी पोस्टर बांट दी गई। कुछ समय के लिए तो किसान यही समझ नहीं पाए कि ये प्रोग्राम अखिलेश का है या फिर योगी का। भैया, भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ की उसमें किसान गोष्ठी थी, किसानों का प्रोग्राम था जी, इसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सतपाल सैनी चौधरी नरेंद्र सिंह जी। तो यहाँ पे ये देखा तो लोगों के पास काफी है, ये पीछे अच्छा। किसान गोष्ठी में बटे। अच्छा, जो कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का होना चाहिए था, अखिलेश जी का है। ठीक, इन लोगों के देखो इनकी कमी है अधिकारियों की, इन लोगों ने बांटे हैं, इनका प्रोग्राम है किसान गोष्ठी। लेकिन जब कानाफूसी हुई और मामला डीएम संभल तक पहुंचा तो अधिकारियों में खलबली मच गई। जिस समय ये सब हुआ उस समय भाजपा के नेता भी मंच पर मौजूद थे। जो आपने अखिलेश जी के पोस्टर आपके किसान गोष्ठी में बटवाए, तो ये कैसे बट गए, क्या मामला था? ये हमने नहीं बटवाए। अच्छा, फिर कैसे बटे ये? हमें कोई जानकारी, हमारे पास साहित्य भी नहीं है, हमारे तो जो हमारा साहित्य ऐसा है नहीं, हम लाए नहीं। फिर आपके यहाँ पर कैसे आ गए वो? अब कोई क्या पता क्यों लाए, हमें तो इसकी जानकारी है नहीं, क्योंकि पहले कई लोग किसान मित्र, कई लोग किसान मित्र भी रहे हैं जी, पुराने लोग भी है, लोगों का पुराना साहित्य। कुल मिलाकर के ये आपकी विभाग की, आपके लोगों की लापरवाही है इसमें कोई? कुल मिला के आपके विभाग की तो लापरवाही है, जो भी है कर्मचारी छोटा है बड़ा है, लेकिन आपके विभाग के कर्मचारी के माध्यम से तो आए। खुला हुआ है ना भाजपा के नेताओं द्वारा नाराजगी जाहिर करने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। जब मीडिया पहुंची तो अधिकारियों ने मंच ही छोड़ दिया। बहरहाल अभी ये तो साफ नहीं हो पाया है कि ये किसी अधिकारी की साजिश के द्वारा किया गया है या फिर किसी लापरवाही के चलते हुआ है। ये तो मामला जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।